तो आज का कहानी स्टार्ट होगा एक कहावत से। एक स्टूडेंट को टीचर ने पूछा, मिल कौन देती है? तो स्टूडेंट बोला, रामू चाचा। सब हंसने लगे। तो ये नहीं होना चाहिए। लाइफ में सब चीज़ का नॉलेज ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का जितना है सबका इम्पोर्टेंस उतना ही है। बच्चों को फार्म हाउस में लेके जाना चाहिए। खाना कहाँ से आता है वो याद होना चाहिए। किस तरह से हार्डवर्क किया जाता है फसल निकालने के लिए, तभी बच्चों को खाना का इम्पोर्टेंस लगेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल योर नाम एंड वेलकम यू ऑल टू न्यू डे न्यू लाइफ न्यू बिगिनिंग एंड न्यू स्टोरी। सो आज बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। हर कोई अभी टेक्नोलॉजी के जो भी फील्ड में है वो ऊपर ही है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। वी आर यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी एवरी डे, ईच एंड एवरी टाइम वी आर यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी मोस्ट ऑफ वी हैव अचीव सो मेनी थिंग्स एज वेल। लेकिन एक बात शेयर करना चाहता हूँ, स्पेसिफिक जो मैं यही रीज़न के लिए बोलना चाहता हूँ। अभी क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो भी एक एज ग्रुप का है बिलो 20, वो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि शो ऑफ के लाइफ जीते हैं। उनका ग्राउंड रियलिटी जो भी होता है वो साइड में रख के वो लोग एक वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि एक्चुअल लाइफ क्या है। जो शो ऑफ कर लिया, फेसबुक में डाल लिया, किसी भी पेज में डाल लिया, इंस्टा में डाल लिया, तो वही है उनका लाइफ। एक्चुअल में लाइफ को अगर थोड़ा सा इसको समझना है तो हमें थोड़ा सा उसको झांक के देखना पड़ेगा। हम लोगों का ओरिजिन कैसे हुआ, जो भी बैकग्राउंड का हम लोगों का लाइफ है वो कैसे है। तो शो ऑफ का लाइफ नहीं जीना है, जो भी ग्राउंड रियलिटी है उसमें ही जीना है। तो शो ऑफ दिखा के कुछ दूसरों को दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी एक जनरल लाइफ होता है ना, लेमैन का लाइफ होता है, वो इम्पोर्टेंट है। आपका घर में अगर एग्रीकल्चर लैंड है, फार्म हाउस है, तो उसमें जाकर काम कीजिए, उसमें क्या बुरा है वो दिखाइए। तो वो एक्चुअल लाइफ, आप बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट जाके खा के फोटो अपलोड करके वो कीजिए, स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, वो कीजिए। लेकिन साइड बाई साइड आप जो भी काम करते हैं, अपनी फैमिली को आप हेल्प कीजिए, वो फोटोज़ डालिए, उसमें क्या बुराई है? लो फील करने वाला कोई बात ही नहीं है। तो दैट शुड बी आवर स्पिरिट कि हम जहाँ से हमारा जो भी बैकग्राउंड, जो भी लाइफ है, जो एक ग्राउंड रियलिटी है, उसके साथ जीना चाहिए। साइड बाय साइड टेक्नोलॉजी के मामले में सब हम लोग अभी हाई क्लास में ही है। सब लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, सब लोग के पास अभी टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन है, ज़्यादातर काम वहीं से हो जाता है। लेकिन जो भी हम लोग का ग्राउंड रियलिटी होता है उसके साथ भी जीना चाहिए। जहाँ से हम उभरे हैं, जहाँ से हम निकले हैं, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो हेल्प योर पेरेंट्स, ग्राउंड रियलिटी में जिए, तो वही लाइफ है। लाइफ में एक्चुअल में कुछ भी अचीव नहीं करना है। यहाँ आके हम जाते हैं, कहीं से यहाँ आए, कहीं निकलना है, तो वो पता होना चाहिए। और जो भी अंडर 20 जो भी बच्चों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों का पेरेंट्स जो भी हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे वो रिच है, दैट डजंट मैटर। आप कौन है वो आप पहले जानिए। आपको खुद को पहले जानना पड़ेगा कि आप कौन है, हु आर यू, एंड आप दूसरे के सामने आपको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। आपका प्रेजेंस सोसाइटी में कुछ मायने रखती है, आप कुछ चेंजेस ला सकते हैं, वो पहले पता होना चाहिए, दैट यू शुड नो। अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ लिविंग इन दिस सोसाइटी। सोसाइटी में रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस तो करना ही है, किसी ना किसी एक्शन से, नहीं तो किसी ना किसी काम से। आप उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कीजिए अपने आप को, सो दैट आपका भी कोई कंट्रीब्यूशन रहे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। तो वो है, किसी को दिखा के अपना लाइफस्टाइल, हम लोग अच्छाई दिखाकर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। दिखाना है आज कल बच्चों को, हमें सिखाना है कि हमारा जो भी ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है, हम कहाँ से आए हैं। तो जितना इसमें जितना सीरियस हो गया हम लोग सोचेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जो भी हम लोगों का आगे वाला जनरेशन जो भी कर रहे हैं वो बच्चे लोग नहीं कर रहे हैं। अभी जो भी एंसेस्ट्रल नॉलेज है, जो भी हमारा फैमिली का जो भी बिजनेस है, उसको आगे लेके जाना।
जो भी नॉलेज एंसेस्टर से आता है वो अगर बीच में जाकर अभी डिसकनेक्ट होने वाला है, जो भी एंसेस्टर का जो भी नॉलेज आ रहा है वो बीच में जाकर डिसकनेक्ट होगा, तो वो नहीं होने देना है, क्योंकि जो भी नॉलेज है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो जनरेशन टू जनरेशन वो नॉलेज जाना है, क्योंकि वो बहुत साल रिसर्च करके वो नॉलेज आया है, उसको ऐसे बीच में खोने नहीं देना है। तो जितना इसके ऊपर हम लोग सीरियस होकर इसको लेंगे उतना ही बेहतर है, नहीं तो क्या होगा कि एक पॉइंट में जाके डिसकंटिन्यू होगा, तब तो पूरा नॉलेज ही चला जाएगा, इतने हज़ारों साल होगा, तो वो नहीं होना देना है। तो प्लीज तो मैं जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहा था, ग्राउंड रियलिटी, उसमें हमें हमारा लिविंग स्टाइल भी उसी ग्राउंड रियलिटी में होना चाहिए। जो भी एंसेस्टर नॉलेज आ रहा है उसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, नहीं तो बीच में अगर डिसकंटिन्यू हो गया तो हज़ारों सालों का नॉलेज तो ऐसे ही चला जाएगा, तो वो होने नहीं देना है। तो जैसे भी करके हमें खुद का लाइफ में जीना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको खेतों में ही आना पड़ेगा, अगर आपके पास खेत नहीं है तो आप लोग जो भी अपना घर का काम है वो कीजिए और ग्राउंड रियलिटी में जीना सीखिए। तो वही है, लाइफ का सिंपल है, लाइफ बहुत सिंपल है, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए और शो ऑफ का लाइफ मत जिए, उससे आपको भी फ़ायदा नहीं होगा और सोसाइटी को फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू सो मच। तो अभी भुट्टे का सीज़न है, तो भुट्टा है अभी, यहाँ पे मेज लगाया हुआ है, तो जब इसको साफ़ करेंगे तो खेत कुछ इस तरह का दिखेगा। अभी हम लोग इसके ऊपर हल लगा सकते हैं, तो ये अभी जोतने का काम हमारा मशीन कर रहा है, तो उसमें उतना डिफ़िकल्टी नहीं है। फिर इसका जो भी ये आउटर रीजन है इसको हम बोलते हैं आली, तो जो भी पानी है उसको रोकने के लिए हम इसको इसके ऊपर हम मट रखते हैं, तो वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं वो। तो यहाँ का लाइफ स्टाइल ऐसे ही है। सो अभी कंसेप्ट क्या है कि अभी का जनरेशन को ये लगता है कि जो भी अनपढ़ है वही खेतों में आकर काम करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अभी वो ट्रेंड को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, खेतों में कोई भी आकर काम कर सकता है, आप भी आइए काम कीजिए। उसमें ये नहीं है कि जो भी खेतों में काम करता है वो अनपढ़ है, वो नहीं होता। तो अपना ग्राउंड रियलिटी में जीना सीखिए, तो जहाँ से हमारा ऑरिजिन है उस ऑरिजिन को पहचानिए, और जो भी एंसेस्टर नॉलेज है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। ये तीन चीज़ों आप ध्यान में रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।